राकेश कुमार का ही अगला सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि सर गवर्नमेंट मिड कैप पीएसयू बैंक्स वर्सेस प्राइवेट बैंक्स, इन्हें लगता है कि सर गवर्नमेंट पीएसयू बैंक्स जो हैं वो ओवर वैल्यूड हैं और प्राइवेट बैंक्स जो हैं अंडर वैल्यूड हैं, आपका क्या नजरिया बन रहा है सर इस पर? देखिए, प्राइवेट बैंक्स अच्छी परफॉर्म कर रही है, पीएसयू बैंक्स काफी सस्ती है, पर एक कंसर्न जो उमड़ के आई है कि जब से इलेक्शंस हुए, स्टेट इलेक्शंस, तभी हमने देखा कि काफी फ्रीबीज बांटे जा रहे हैं, तो इनएविटेबली होता क्या है कि ये बैंक्स को एनपीएस हो जाते हैं, तो उसके चलते उनकी थोड़ी रैली स्टॉप हो गई थी। अभी जो गवर्नमेंट अपना बजट अनाउंस करेंगे उसमें हम अनुमान लगाएंगे कि कितना इम्पैक्ट इतने और फ्रीबीज देंगी क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के भी इलेक्शंस है, तो फॉर अ टाइम बीइंग हमें लगता है कि 3 से 6 महीने के नजरिए से आप प्राइवेट बैंक्स में ही बने रहे और पीएसयू बैंक्स को उसके बाद में रिव्यू करें लेने के लिए।